हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स का जो पेपर है 2024 का, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं इस सेशन में। तो चलिए, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है आपका 24th क्वेश्चन का, अथवा करके है, ठीक है। इसमें आपको और वाला पार्ट दिया गया है, और ये है आपका चैप्टर ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ठीक है। जो त्रिभुज है चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और जो इसके पहला क्वेश्चन था वो था बच्चों आपका सर्कल से। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि भाई या तो ये कर लीजिए या जो पहले वाला हमने किया था वो कर लीजिए, जो आपको सही लगे। लगभग कॉन्सेप्ट तो आपके दोनों में ही यूज हो रहे हैं। सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बस यहाँ पे आपको देखना क्या है कि क्वेश्चन कौन सा आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ बॉय ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। इफ द लैंप इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 4 सेकंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है ये देखिए, आपको ये बोला गया है कि ये है ए बी, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है। लैंप पोस्ट है, ऊपर इसके यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये इसके बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब है और एक लड़का खड़ा है बच्चों, एक लड़का है यहाँ पे जिसकी लंबाई ए बी, आप बोल सकते हैं यहाँ पे सी डी और ये ई हो जाएगा, जिसकी लंबाई सी डी है। कितनी है ये है बच्चों 150 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको मीटर में दी गई हैं, तो कितना मीटर हो जाएगा ये 150 बाय 100, That is 3/2 meter हो जाएगा, 3/2 meter हो जाएगा ये। उसके बाद एक चीज और आपको दी गई है कि लैंप पोस्ट जो है उसकी लैंप पोस्ट लैंप की जो हाइट है वो 4.5 है, ग्राउंड से इतने ऊपर है, समझ गए। जो लैंप है वो ग्राउंड से इतने ऊपर है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई ये हो गई। और क्या बोला गया है, और बोला गया है बच्चों आपको ये चीज दे दी गई है। उसके बाद आपको ये बोला गया है कि ये लड़का जो है लैंप पोस्ट से दूसरी तरफ चल रहा है, दूसरी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम बेस ऑफ लैंप पोस्ट। तो बेस ऑफ लैंप पोस्ट से उधर चल रहा है किस स्पीड से, चाल दी हुई है बच्चों आपको 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दी गई है। तो आपको क्या बताना है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शेडो, ठीक है, उसकी छाया की आपको लंबाई बतानी है। मान लीजिए ये हो गई इसकी छाया 4 सेकंड के पश्चात, ठीक है। 4 सेकंड मतलब यहां से उसने चलना शुरू किया, 4 सेकंड बाद वो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। समय कितना है यहां पे, समय दे दिया है ये आपको 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये बी से डी तक पहुंच गया बच्चों। अब सोचना, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए, है ना, दूरी चाहिए। यहाँ पे समय दे दिया है और चाल भी दी है बच्चों। चाल क्या है उसकी, चाल है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो 4 सेकंड तक चलता है, तो बी से डी तक पहुंचता है। और मान लीजिए जो उसकी शेडो बनी है वो एक्स मीटर बनी है, उसके बाद कितनी बनी है, x मीटर शेडो बनी है। तो आपको क्या बताना है कि उसकी शेडो की जो लंबाई x मीटर है, x की वैल्यू क्या होगी,
क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? डायग्राम बना के मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि एक एक स्टेप आप समझ पाएं, एक एक चीज आप समझ पाएं, क्योंकि क्वेश्चन जब समझेंगे तभी आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। तो अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 24 का ही है ये ऑप्शन में। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ए बी ई, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल हो गया सी डी ई, है ना। इनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गिवन है या जो हमें इंटरप्रेट करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया क्या है वो देखिए, दिया है तो सबसे पहले तो आपको दिया है ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी है बच्चों भूमि से 4.5 मीटर ऊंचाई पर बल्ब है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बल्ब की ऊंचाई, बल्ब की ऊंचाई ए बी से हम डिनोट कर रहे हैं यहां पे कितनी है, 4.5 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है? लड़के की लंबाई, ये भी दिया है आपको, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई कितनी दी है आपको? लड़के की लंबाई दी है बच्चों डीसी, डीसी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सीडी बोल लीजिए। ये है 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 150/100 मीटर हो जाएगा, दैट इज 2/3 मीटर, 2/3 मीटर हो जाएगा। तो जो दिया है उसको क्लियरली अगर लिख लेंगे ना तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी बच्चों हमारे लिए। अब देखिए हमें और क्या दिया है, समय दिया है, है ना। किस चीज का समय दिया है? कि भाई वो 4 सेकंड तक चलता है, ठीक है। तो समय कितना दिया है? समय दिया है बच्चों 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड आपको समय दिया है, लिख लीजिए। और क्या दिया है? चाल आपको दे दी गई है, कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड, है ना, 1.2 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? देखिए समय दे दी, चाल दे दी, दूरी निकाल सकते हैं हम। दूरी क्या होती है? दूरी का सूत्र अब पता होना चाहिए बच्चों, यही है इसमें एक ट्विस्ट, कि ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए तो आप इजीली निकाल पाएंगे। दूरी होती है समय गुणा चाल, यानी डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये होता है। अब देखिए समय आपको गिवन है 4 सेकंड और चाल आपको दी है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो दूरी कितनी आ गई? दूरी आ गई 1.2 × 4, कितना आ गया? 4.8 मीटर, 4.8 मीटर आपकी दूरी आ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये दूरी आपकी आई है ये कितनी आई है? 4.8 मीटर। तो दूरी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीडी से। जो बीडी है वो आपका 4.8 आ गया है। और हम एक काम और करते हैं भाई, जो छाया है, ठीक है, माना छाया की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, सबसे यहां ऊपर मान लीजिए आप, माना छाया की लंबाई, छाया की लंबाई DE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, और इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ये x निकालना है। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ गए आप? चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए जब हमारा बीडी आ गया है, बीडी आ गया है और डीई हमें पता है, डीई कितना है? एक्स मीटर है। तो मुझे बताइए बीई क्या होगा? बीई हो जाएगा 4.8 + x मीटर, है ना, ये हो जाएगा, ये तो देख के लिखा है मैंने इसे, है ना। अब देखिए
हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पे लेने हैं हमें, कौन से कंसिडर करने हैं, एक तो ए बी ई और दूसरा सी डी ई, ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इसमें देखेंगे, तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई, त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई में, अगर इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो ध्यान से देखना बच्चों, फिर से मैं डायग्राम पे आता हूं, ये ए बी ई की बात करें तो ये एंगल कितना है, एंगल ए बी ई या फिर एंगल बी बोल लीजिए वो 90 डिग्री है और एंगल डी बी 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा खड़ा है जो आपका लैंप पोस्ट होता है या लड़का खड़ा है वो 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ई कॉमन है, एंगल ई कॉमन है, तो देखिए एक तो एंगल ये और ये बराबर हो गया, अब दोनों ट्रायंगल में एंगल ई भी बराबर हो गया, तो दो कोण आपके बराबर आ गए, ठीक है, दो कोण बराबर आ गए, आप लिख लीजिए एंगल बी बराबर है एंगल डी 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल ई बराबर है एंगल ई, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है यहाँ पे, ये कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, कैसे समरूप हुआ, ए ए ए ए ए ए सिमिलैरिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगी है, ठीक है, दो कोण इनके बराबर आ गए इसीलिए ये दोनों सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं बच्चों तो देखिए जो सिमिलर त्रिभुज होते हैं उनमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी और इस त्रिभुज की भुजा लेते हैं सी डी, इनको हम बराबर लिख सकते हैं किसके, बी ई बटे डी ई के, ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर त्रिभुज होते हैं उनके जो करस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं उनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए ये आपकी थ्योरम है बच्चों, क्या है, थ्योरम है, तो इसीलिए इसको ध्यान से आपको समझना है। अब ए बी सी डी इनकी वैल्यू आपको दी है वो लिख लेंगे, तो जो वैल्यूज हैं वो लिख लीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए ए बी 4.5 है, सी डी 3/2 है, ए बी 4.5 सी डी 3/2 और ये कितना है बी ई 4.8 प्लस एक्स और ये एक्स है, ए बी है 4.5, सी डी आपका कितना है 3/2 इज इक्वल टू बी ई कितना है 4.8 प्लस एक्स और डी ही है आपका एक्स, क्लियर है, तो यहां पे इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर देंगे इसको और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या आएगी देखते हैं, देखिए 3/2 है, 2 को मैं ऊपर ले जाता हूं, ये 4.5 इंटू 2 बाय 3 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x बाय x, सॉल्व करना है बच्चों बस और कुछ नहीं करना, देखिए 4.5 इंटू 2 कितना हो गया 9, 9/3 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x बटे x, इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये 3 आ जाएगा, है ना, और x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, x को लेफ्ट साइड ले आइए तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4.8 ये आ जाएगा, तो अब देखिए क्या करना है आपको, 3x माइनस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 4.8, तो x कितना आ गया 4.8/2, कैंसल आउट करेंगे 2.4 आ जाएगा, x बराबर है 2.4 मीटर,
आ जाएगा 2.4 मीटर। सब कुछ सारी यूनिट्स मीटर में है तो आंसर आपका मीटर में आएगा, तो आप लिखेंगे अतः छाया की लंबाई 2.4 मीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका आंसर, अतः छाया की लंबाई कितनी है 2.4 मीटर। बस दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स के लिए है, 5 अंक के लिए सवाल है, तो इसको समझेंगे। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एक बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर है बीएसी। ठीक है, ये एंगल इक्वल आपको दिए गए हैं, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी, यानी डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इसको हम यहां पे बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे आपको ये बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इससे बनाने की कोशिश करते हैं सीधी की लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ आपको यहां पे बोला जा रहा है। अब देखिए ध्यान से क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर स्थित क्या है D एक बिंदु है और वो इस प्रकार है, ठीक है, B ADC, ADC कौन सा हो गया बच्चों, ADC ये एंगल है ना, ADC किसके बराबर है एंगल BAC, एंगल BAC के बराबर, समझ गए। तो सबसे पहले अगर इसको हल करेंगे तो आपको जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है बच्चों, आपको दिया है एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ये आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों कि जो सी ए स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है सी बी इंटू सी डी, ठीक है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप, ये आपका प्रूफ हो गया। तो दो ट्रायंगल लेंगे ए डी सी एंड बी ए सी, ठीक है, त्रिकोण त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में, ध्यान से देखिए यहां पे ये दो त्रिभुज लिए हैं, इनको हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक तो ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी दिया है, गिवन है ये तो, ठीक है। और देखिए इन दोनों में एंगल सी जो है वो कॉमन आ रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए हैं, अगर दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो ए एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल BAC,
ये दोनों समरूप हैं। क्यों? कौन सा, कौन सी यहां पे कसौटी लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एंगल, एंगल समरूपता कसौटी, ठीक है। एंगल एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। अब देखिए, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, उनको यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो आपका AD है, है ना, क्या प्रूव करना है आपको? CA बराबर है CB into CD, यही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे CD, ठीक है, जो ADC है इसमें क्या है, CD, ये किसके बराबर होगी, CA के बराबर होगी, बराबर है, ठीक है। ये जो CD भुजा है ये इसके बराबर होगी ट्रायंगल BAC में। अब दूसरा यहां पे क्या लेंगे हम, एक और भुजा लेंगे जो कि है CB, ये तो CA ही आ जाएगा, CA बटे CB, क्या लेंगे, CA बटे CB। अब देखिए कि हमें यहां पे क्या करना है, CA कौन सा हो गया बच्चों, CA ये हो गया और CB आपकी ये हो गई, ये पूछा, ठीक है। तो हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, CD into CB बराबर है CA स्क्वायर, ठीक है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD into CB, ये प्रूव हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब देखिए यहां पे अगर आपको दो से तीन क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, अगर आपको ये समरूपता कसौटी आती है, ठीक है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि जो आप जैसे त्रिभुज है आपका चैप्टर है, तो उसकी अगर प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से की हैं तो इजीली आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। बाकी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बुक से हैं तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।